आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि आदमी आखिर मुकदमे लड़ता ही क्यों है। उसे कोई शौक तो होता नहीं है, लेकिन आदमी इतनी पैरवी इतनी लगन से क्यों करता है। मैंने ये देखा है कि एक मुकदमा तो वो है जिसमें किसी को क्षति पहुंची है और काफ़ी गंभीर मुकदमा होता है जिसमें पैरवी बनता भी है, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे अदालतों में चल रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। बेवजह मुकदमे चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों चल रहे हैं मुकदमे पता ही नहीं है। कुछ मुकदमे तो इसलिए चल रहे हैं कि अपराध कारित किया है किसी व्यक्ति ने जिसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब भाई अपराध किया तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जो बेबुनियादी, जो सिर्फ इस नाक की वजह से, पता नहीं क्या है। आदमी बस इसकी खातिर मुकदमेदारी करता है अपने जीवन के वो पल वो क्षण इस मुकदमेदारी में इस तरीके से बर्बाद कर देता है कि कुछ पूछो ही मत। मुकदमेदारी इतनी बुरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जो जिसके खिलाफ हमने मुकदमा किया वही पूरी ज़िंदगी परेशान होगा। जो करता है वो भी अपने जीवन के सारे क्षण सारे पल ऐसे पूरे मुकदमेदारी में बर्बाद कर देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जो मेरे उस्ताद मुझे बताते रहते हैं, कहते हैं कि इस संसार में इस ज़माने में सिर्फ लड़ाई है तो वो हक की है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का हक अदा कर दे तो लड़ाई किसी चीज़ की है ही नहीं। जैसे भाई बहन का हक अदा कर दे, बाप बेटे का अदा कर दे, बेटा बाप का हक अदा कर दे, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा कर दे, गांव वाला गांव का गांव वाले का हक अदा कर दे, ठेकेदार है मजदूर का हक अदा कर दे, तो लड़ाई होगी ही नहीं, कोई विवाद ही पैदा नहीं होगा। लेकिन सारी लड़ाई जो है वो हक की है। जो इस तरीके के विवाद होते हैं, जो समझौता योग्य होते हैं, इसके लिए जो समझौते के आधार पर न्यायालय में बहुत सारे मुकदमे हैं जो समझौते के आधार पर ही निस्तारण हो जाता है, इसीलिए लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। तो मेरा कहना बस यही है आपसे, मेरा कहने का उद्देश्य यही है, अगर कोई ऐसा मामला है जो आपको लगता है कि हाँ समझौते के आधार पर निपट सकता है तो आप उसको निपटा लें। कोई ज़रूरी नहीं है अपने जीवन को बर्बाद करने का, अपने जीवन के उन खूबसूरत पलों को इस मुकदमेदारी में ख़त्म करने का। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।